आइए आपको दिखाते हैं यूपी के गोंडा पुलिस का वो चेहरा जिसका काम नहीं कारनामा बोलता है। हम आपको दिखा रहे हैं दो तस्वीरें। पहली तस्वीर नवाबगंज थाने के लकड़ मंडी चौकी क्षेत्र की है, जिसमें सादी वर्दी में बैठे दो कांस्टेबल अपने एक मुखबिर से हर आती जाती गाड़ियों से वसूली करवा रहे हैं, जिसके बाद मुखबिर से मिलने वाली पूरी रकम को अपनी जेब में रखकर आपस में बांट रहे हैं। एक आदमी जब इन्हें पैसे देने आता है तो ये उससे जेब में रखे मोबाइल को हाथ में ले लेते हैं कि कहीं उनका कोई वीडियो तो नहीं बन रहा। वहीं तस्वीर नगर कोतवाली के महाराजगंज चौकी की, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ड्राइविंग सीट पर बैठे सिपाही ने ड्यूटी के दौरान किस तरह शराब पी रखी है, और इस सिपाही ने लकड़ी लेकर जा रहे एक ट्रॉली वाले से वसूली में मिले रुपयों को अपने हाथ में ले रखा है। जैसे ही कैमरा सिपाही की ड्राइविंग सीट के पास पहुंचता है, नशे में धुत सिपाही पहले तो कैमरा छीनने की कोशिश करता है और खुद ही बयां करता है कि उसने पैसे लिए और क्या कर लोगे उसका। लेकिन जैसे ही इसे एहसास होता है कि उसकी करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है, तो उसकी बोली भाषा बिल्कुल बदल जाती है और वह ड्राइविंग सीट से उतर कर दोबारा फिर से मोबाइल पर छपट्टा मारता है। अब इन दोनों तस्वीरों को देखकर आप ये जान ही चुके होंगे कि गोंडा की पुलिस आखिर किस तरीके से काम कर रही है, जिसका एकमात्र काम सिर्फ वसूली ही करना है। लकड़ मंडी नवाबगंज थाने के लाल बहादुर सिंह और राजकिशोर तथा वहां के चौकी इंचार्ज लकड़ मंडी महेंद्र प्रताप सिंह को, इसके अतिरिक्त पीआरवी वाहन 883 के चालक कुलवीर सिंह तथा वहां जहां पर इनकी शिकायत की गई थी उसके चौकी प्रभारी अभिषेक पांडे, इन पांच लोगों को तत्कालिक प्रभाव से अवैध वसूली की शिकायत में निलंबित कर दिया गया है देर रात्रि में, और इस पूरे प्रकरण की जाँच अनुगंज से कराई जा रही है।